ये एनसीईआरटी की बुक क्लास फोर्थ की यूनिट वन से दो लेसन्स हैं, वेकअप नेहाज अलार्म क्लॉक। आज हम वेकअप पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट अस रिसाइट एंड रीड द पोएम। वेकअप वेकअप इट्स लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। Wake up, wake up, it's lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep. The tiniest chicken, chip, 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 wake up. This poem is written by C. Fetcher. C. Fetcher is the composer of the poem. So first of all we should watch the picture. हम picture को देखें, picture में क्या है? चिड़िया birds हैं जो उड़ रही हैं, बच्चा है जो jump कर रहा है, खेल रहा है, एक pond है जिसमें दो ducks हैं, swimming के mood में हैं, birds पेड़ों पर singing कर रही हैं, sun है जो rising दिखा रहा है, horse अपने stable में है, गर्ल है लैम के साथ दौड़ रही है, फ्लावर्स जो हैं तरह तरह के फ्लावर्स खिले हुए हैं, बीज चारों तरफ बजिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक मिनट के लिए अगर हम सोचें, ये सारी चीज़ें ही बता रही हैं कि एवरीबॉडी इज़ इन एक्शन, सब लोग एक्शन में हैं, सवेरा हो चुका है, बच्चा जो है वो जग चुका है और बाकी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में वो सबसे पहले कहता है कि वेकअप वेकअप इट्स लवली डे, बड़ा प्यारा दिन है, चलो अब उठ जाओ, प्लीज़ वेकअप और चलो हम लोग खेलें। बर्ड्स जो हैं पेड़ों पे गीत गा रही हैं, बीज की बजिंग को हम सुन सकते हैं। वेकअप वेकअप इट्स लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। उठ जाओ, बड़ा ही प्यारा दिन है, क्योंकि चिड़िया पेड़ों पे गुनगुना रही हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं और हम भी जग चुके हैं, अब बहुत लेट हो चुका है, बेड पर बेड छोड़ दें, जल्दी करें और अपने नींद भरे आँखों को खोलें, फ्रेशअप हो जाएं, टीथ ब्रश करें, नहाएं, ड्रेस पहनें और बाहर आ जाएं। हर कोई उठ चुका है, और काउज हॉर्सेस डक्स सिप, यहाँ तक कि छोटी छोटी जो चिकन्स हैं वो भी चिप चिप करके चारों तरफ घूम रही हैं। इसलिए उठ जाओ, हम लोग खेलें। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, लवली बजिंग स्लीपी हेड टीनियस्ट। लवली प्यारा, बजिंग जो बीज की आवाज़, बीज जो आवाज़ निकालते हैं उसको हम बजिंग कहते हैं। स्लीपी सोने की मुद्रा, हेड मीन्स सर, टीनियस्ट मैंने सबसे छोटा। नेक्स्ट आप देख रहे हो रीडिंग इज़ फन। इसमें क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। द बर्ड्स आर सिंगिंग ऑन द ट्री एंड थ्रू द सॉन्ग दे आर सेइंग कि गेट अप। चिड़िया गीत गा रही हैं और गीत के माध्यम से वो कह रही हैं कि तुम लोग जग जाओ। हु आर ऑलरेडी अवेक, जो बच्चे हैं वो जग चुके हैं, चिक्स जग चुके हैं, बर्ड्स जग चुके हैं। विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। सबसे पहले चिड़िया उठ जाती है और चारों तरफ अपना गीत गाने लगती है। लिसन लेट अस लिसन, लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, से द बर्ड्स boy and bee, listen to the bee sound. Big, bubbles, bin, bag, blue, blow, black. Listen to the baby chicks. The sound of the baby chicks is known as chip, chip, chip. Go for a morning walk. Listen to the sounds as you hear, like the rustling of leaves. पत्तियाँ जब एक दूसरे में लड़ती हैं तो खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है और उसको हम कहते हैं rustling. The wind blowing, the chirping of birds, the sounds of footsteps. इतनी सारी चीज़ें सुबह सुबह सुनाई देती हैं। कल्पना करो
कि एक गाय, एक हॉर्स, एक डक, एक चिकन, ये सारे एक जगह मिलते हैं मॉर्निंग में मील के लिए। तो व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, एक दूसरे से वो क्या बात करेंगे। सबसे पहले वो अपनी अपनी भाषा में सबको विश करेंगे, जैसे हम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। फिर उसके बाद मील के लिए बारे में वो बात करेंगे, मॉर्निंग मील, कि आज क्या खाना है, कैसा खाना है, आज का दिन क्या है, आज की प्लानिंग क्या है। सेल आउट, बेटी बॉट ए बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बिटर बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। लेट अस राइट, हियर आर टू सेंटेंसेस जिसे हमें एंड और बट से जोड़ना है। एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन। पहला सेंटेंस है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, उठने का समय है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ समय सोना चाहता हूँ। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, और लगाएंगे तो सही नहीं होगा। ये इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, तो बट कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। सेकेंड है, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, सी गॉट सम न्यू क्लॉथ्स टू, बर्थडे पे शीला को चॉकलेट मिला और कुछ नए कपड़े भी मिले। तो यहाँ हम बट नहीं लगाएंगे, एंड कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड सम न्यू क्लॉथ्स फॉर हर बर्थडे। एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, सब लोग सोने चले गए, मैं अपना किताब पढ़ना चाहता हूँ। आप सोच के देखें, जब सब लोग सोने चले गए लेकिन मैं अपना किताब पढ़ना चाहता हूँ, या तो कैसे इसको हम ऐड करेंगे, एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, दोनों काम राजू करता है, क्रिकेट भी खेलता है हॉकी भी खेलता है। तो राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। ये डिग्रीज हैं, सारे वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव के तीन डिग्री होते हैं, सुपरलेटिव, कंपरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। तो आइए देखिए, टेनी ये पॉजिटिव डिग्री है, टेनियर ई आर लग गया कंपरेटिव, दो बीच में, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने के लिए, और टीनियस्ट सबसे छोटा, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री। बिग बिगर बिगेस्ट, स्लीपी स्लीपियर स्लीपेस्ट, लवली लवलियर लवलीएस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, राउंड राउंडर राउंडेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। एडजेक्टिव की ही डिग्री होती है। ये आपका पहला लेसन ख़त्म हुआ। अगर आपको फिर कहीं कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेहाज़ अलार्म क्लॉक के साथ।